Welcome to Law Gurukul. Our today's topic is Law of Tort. In this video, we will study the meaning and concept of tort. What are its essentials? What are their types? Isme kaun-kaun se theories involve hain? Iske exception ya fir defense kya-kya hai? And all important case laws. So let's start. The word tort has been derived from a Latin word tortum, which means twisted, crooked or unlawful. ये जो word tort है वो एक Latin term tortum से लिया गया है. Tortum का मतलब हो गया कोई भी twisted, crooked या फिर ऐसा कोई भी unlawful act. The law of tort in India is developed and evolved from the law of torts in UK. ये जो law of tort है वो इंडिया में कहाँ से लिया गया है? UK का जो law है उसमें ये concept है law of torts. UK के law से ये law of tort जो है इंडिया में develop हुआ. Tort is a private wrong that contravenes the legal right of an individual or a group. Tort kya hai? Tort ek private wrong hai. Private wrong yani ye kisi bhi individual ya kisi bhi group of persons ke private rights ko infringe karta hai. Tort is a civil wrong. Tort aur crime ye dono alag alag cheeze hain. Tort एक civil wrong है और criminal crime जो भी illegal activities हो गई वो सारी crime की category में आता है. So tort और crime दोनों अलग अलग चीजें हैं. Tort जो है वो civil wrong की category में आता है. Tort law is not codified. India में जितने भी act statutes है जैसे हमारा criminal law का हो गया ना CRPC, IPC ये सारे codified है. Codified है ये मतलब उसमें act में sections हैं, articles हैं जो ये सारी चीजें हैं. But tort law codified नहीं है, यानी इसमें articles, sections वगैरह नहीं है. ये सिर्फ previous जो भी judicial decisions हुए हैं हमारे इंडिया के या फिर UK के, so उनके judicial decisions से जो भी conclusion निकला है, उनके basis पर ये law of torts बनाया गया है. Example negligence, trespass, false imprisonment ये सारे tort की category में आते हैं. See for example, आपका एक घर है, उसमें आपने एक swimming pool बनाया हुआ है. कोई बाहर से पर्सन आता है वो आपके स्विमिंग पूल में नहा के चला जाता है. इससे आपको कोई वो उसका आके नहाना इट्स नॉट अ क्राइम, बट वो आपके प्राइवेट जो राइट आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपका प्राइवेट राइट है उससे इन्फ्रिंज कर रहा है ना. इससे आपको कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, ना ही ये किसी टाइप का क्राइम है नहाना पानी में, बट वो आपकी प्रॉपर्टी में आकर विदाउट आपके परमिशन वो आपके पूल को यूज कर रहा है. सो दिस इज अ सिविल रॉन्ग. सो ये जो एक्ट है ये ट्रेसपास कहलाएगा और ये tort law के अंडर कवर होगा. Negligence is also a law of tort. False imprisonment ये सारे acts जो हैं वो tort law में कवर होते हैं and not in a criminal law. So ये tort का concept basically clear हो गया कि जो crime है वो नहीं है, कि civil wrong है. ये moral wrong भी नहीं है. Moral wrong see for example, आप road पर जा रहे हो, आपके बीच में एक बड़ा सा पत्थर दिख गया. इट इज योर मॉरल ड्यूटी कि आप उस पत्थर को उस रोड के बीच से हटा के साइड में रख दो ताकि आने वाले जो लोग उस रोड पे चल रहे हैं उन्हें उससे चोट ना लगे. सो अगर आप वो पत्थर वहां से नहीं हटा रहे हो तो ये कोई क्राइम नहीं है, ना ही ये टॉट के अंदर आता है, क्योंकि ये आपकी मॉरल ड्यूटी है. सेकेंड, इसको दूसरे टाइप से अगर देखते हैं, आप एक गाड़ी में बहुत सारे पत्थर लेकर जा रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिया और दो चार पत्थर रोड पर गिर गए, आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया एंड यू मूव्ड ऑन. पीछे से कुछ लोग आ रहे थे, उस पत्थर से टकरा के गिर गए, उनके सर पे चोट लग गई. सो यू हियर यू आर लायबल अंडर द लॉ ऑफ टॉट, क्योंकि आप नेग्लिजेंट हो, आप वो पत्थर लेकर जा रहे हो. सो आपकी ये ड्यूटी है रीजनेबल केयर की कि आपके किसी एक्ट से किसी दूसरे को कुछ नुकसान ना हो. ठीक है, सो ये क्राइम नहीं है बट ये आपकी प्राइवेट ड्यूटी थी जो आपने फुलफिल नहीं की. सो योर दिस रॉन्ग विल कवर अंडर द लॉ ऑफ टॉट. ठीक है, तो टॉट लॉ से बेसिक चीजें क्या होगी? ये जो है इंडिया में यूके के कॉन्सेप्ट से लिया गया है, ये एक लैटिन टर्म टॉटम से लिया गया है, ये सिविल रॉन्ग है और ये कोडिफाइड नहीं होता है और ये प्राइवेट राइट्स को इन्फ्रिंज करता है. ये एक पब्लिक रॉन्ग नहीं है, टॉट जो है वो एक प्राइवेट रॉन्ग है. ओके, नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स? टॉट लॉ की थ्री इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, जो अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तभी वो एक्ट जो है वो टॉट लॉ के अंडर कवर होगा. नाउ व्हाट आर द थ्री कंडीशंस? रॉन्गफुल एक्ट, यानी कि किसी के प्राइवेट राइट वायलेट हुआ है, आपने कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट किया है, किसी के प्राइवेट राइट को इन्फ्रिंज किया है, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड, लीगल डैमेज, उस पर्सन आपके किसी एक्ट की वजह से, आपके किसी रॉन्गफुल एक्ट की वजह से किसी दूसरे का लीगल डैमेज हुआ है.
थर्ड इज लीगल रेमेडी, और उस डैमेज के अगेंस्ट उसे लीगल रेमेडी अवेलेबल है। सो अगर ये तीनों ही कंडीशंस आइदर नहीं है कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन हो गया तो हम टॉर्ट लॉ के अंडर रेमेडी मांगने जा सकते हैं, ये गलत है। तीनों ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तभी आपका जो एक्ट है वो टॉर्ट लॉ के अंडर कवर होगा। इट शुड बी अ रॉन्गफुल एक्ट, किसी प्राइवेट राइट का वायलेशन होना चाहिए, उस पर्सन को लीगल डैमेज होना चाहिए और उस डैमेज के अगेंस्ट में लीगल रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए। सो दीज आर द थ्री बेसिक कंडीशंस टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट। नाउ कमिंग टू द टाइप्स, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ टॉर्ट। फर्स्ट इज इंटेंशनल टॉर्ट, यानी आप जानबूझकर किसी को नुकसान दे रहे हो, जैसे असॉल्ट, बैटरी, आप किसी को स्टिक से मार रहे हो, उसको गुस्सा दिखा रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, सो दीज आर इंटेंशनल टॉर्ट, आप जानबूझ के ये सब चीजें कर रहे हो। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी इंटेंशनल टॉर्ट। सेकेंड इज नेग्लिजेंस, यानी आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, बाई मिस्टेक ये चीजें हो गई, सब जैसे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं होते बट आपकी गलती तो होती है, आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तभी रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टॉर्ट, नेग्लिजेंस। थर्ड इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है, ये इंटेंशनल नहीं होती, यानी आपने जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही आप नेग्लिजेंट हो कि आपने रीजनेबल केयर नहीं किया, बट स्टिल इन दोनों चीजों के अलावा आपका काम ही ऐसा है, यू आर एंगेज इन सर्ट सम काइंड ऑफ एक्टिविटी जिसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है, वो इंजर्ड हो सकता है, हर्ट हो सकता है या फिर वो मर भी सकता है। तो ये कैटेगरी है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अगर आप इंटेंशनल नहीं भी हो, आपने नेग्लिजेंस भी नहीं किया है, बट फिर भी यू आर लाइबल अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इन कंसेप्ट को हम थोड़ा डिटेल में विद केस लॉस आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थ्री टाइप्स क्लियर हो गए, इंटेंशनल, negligence and strict liability. Now coming to one question, yes, which of the following interest is not protected by the law of tort? Tort ka concept agar clear ho gaya hai to ye question to aap zarur answer kar paoge. Inme se ye jo four options hain, inme se kaun sa aisa option hai jo law of tort ke under cover nahi hota hai? Law of tort in four options mein se kise protect nahi karta hai? कंपटीशन के अंडर किसी का कमर्शियल लॉस होना, किसी का रेपुटेशन हार्म करना, किसी को फिजिकल सेफ्टी ना देना, या फिर कोई अपने प्लांट को पीसफुली एंजॉय कर रहा है उसमें इंटरप्ट करना, तो लॉ ऑफ टॉर्ट इनमें से किसे प्रोटेक्ट नहीं करता है? यू टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट थियोरीज। लॉ ऑफ टॉर्ट में दो थियोरीज इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले है विनफील्ड थियोरी ऑफ टॉर्ट। ये विनफील्ड क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हिम If any injury is done to the neighbor, he can sue the other person no matter if the wrong happened has a particular name or not. Winfield ये कह रहे हैं कि अगर एक person की वजह से neighbor यानी किसी दूसरे person को किसी भी तरह का harm हो रहा है, यानी harm का कुछ नाम नहीं है तो भी चलेगा, अगर किसी भी तरह का disturbance, नुकसान, injury, hurt हो रहा है तो वो law of tort के under cover होता है। The person is held liable should prove lawful justification. जिस person के ऊपर उसने ये blame लगाया है, उसके पास proper legal justifications होने चाहिए। And ये जो theory है Winfield का, इसे MC Mehta versus Union of India वाले केस में Indian judiciary ने support भी किया था। So this is the Winfield theory of tort कि अगर किसी भी person को injury हो रही है, तो वो भले उस injury का, उस crime का कोई नाम हो या ना हो, वो person liable होता है। Second theory is, जस्टिस भगवती इन एमसी मेहता वाला केस था, इसमें जस्टिस भगवती ने यह स्टेटमेंट दिया था दैट वी हैव टू इवॉल्व न्यू प्रिंसिपल्स एंड ले डाउन न्यू नॉर्म्स विच विल एडिक्वेटली डील विद द न्यू प्रॉब्लम्स विच अराइज इन अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट कौन से केस में दी गई थी। So you will have to remember the case of MC Mehta versus Union of India. ये state, ये judgment किसने दिया? Justice भगवती ने दिया, ठीक है? तो ये आपको तीनों चीजें याद रखनी है। और second, अगर ये भी पूछा ये कौन से concept से relate करता है, तो ये Winfield theory of tort से relate करता है। ओके, इसमें जस्टिस भगवती ने ये कहा कि जैसे जैसे हमारे कंट्री में न्यू प्रॉब्लम्स आ रही हैं, न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू न्यू प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हमें उन न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए न्यू प्रिंसिपल्स और न्यू रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई जस्टिस भगवती इन द केस ऑफ MC Mehta वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया।
द सेकेंड थियोरी इज सामंड थियोरी ऑफ टॉट. प्रोफेसर सामंड ने क्या कहा दैट सामंड वाज अ सपोर्टर ऑफ लॉ ऑफ टॉट. अकॉर्डिंग टू हिम द लायबिलिटी अंडर दिस लॉ अराइजेस ओनली व्हेन द रॉन्ग इज कवर्ड अंडर वन और अदर नॉमिनेटेड टॉट्स. सामंड ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी अगर किसी भी टाइप का इंजरी या हार्म हो रहा है तो उसे हम लॉ ऑफ टॉट में कवर कर सकते हैं. सामंड ये कह रहा है कि उसका कोई प्रॉपर नाम होना चाहिए, यानी कि उन्होंने कुछ चीज़ों को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया. जैसे असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया, डिफामेशन हो गया. तो ये सारे जो भी कैटेगरीज हैं उनमें से अगर कोई एक्ट इन कैटेगरी में से किसी एक में फिट होता है तो ही वो लॉ ऑफ टॉट के अंडर लाइबल है, अदरवाइज वो लॉ ऑफ टॉट में कवर नहीं होगा. सो ये थ्योरी थी सामंड की. सामंड की इस थ्योरी को पिजन होल थ्योरी भी कहा जाता है. तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि पिजन होल थ्योरी जो है वो किसने प्रपाउंड की थी. सामंड ने प्रपाउंड की थी, ठीक है. और इसका मतलब समझ में आ गया कि सामंड ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ टॉट में कवर होने के लिए चाहिए कि वो किसी एक टॉट के हेड यानी किसी एक जो कैटेगरी है उसमें फिट होगा तो ही वो लॉ ऑफ टॉट में कवर होगा, अदरवाइज नहीं. नाउ व्हाट आर द एक्सेप्शंस या फिर डिफेंस क्या क्या अवेलेबल है. हमने ये तो पढ़ लिया कि क्या क्या चीजें टॉट होती है, बट अगर हमें इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और इसके कुछ डिफेंस भी हैं, वो क्या क्या है. सबसे पहला प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट, यानी प्लेंटिव अपनी खुद की वजह से जो है उसे नुकसान हो रहा है तो जो डिफेंड जो पर्सन है वो कंपेंसेशन डैमेजेस देने के लिए लायबल नहीं होगा. एक्ट ऑफ गॉड विस मेजर, यानी कि नुकसान जो है वो दोनों में से प्लेंटिव या डिफेंडेंट दोनों में से किसी की गलती नहीं थी, किसी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से नुकसान हुआ है, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से नुकसान हुआ है तो भी नो वन इज लायबल टू पे द डैमेजेस. इस एक्ट ऑफ गॉड को विस मेजर, ये टर्म भी याद रखना है, इसे विस मेजर भी कहा जाता है. देन कंसेंट ऑफ प्लेंटिव, यानी कि जो नुकसान हुआ है उसके लिए प्लेंटिव ने खुद कंसेंट दी थी. इस स्टेटमेंट को कहते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया. ओके, ये टर्म मैक्सिम जो है वो भी याद रखना है. कंसेंट ऑफ प्लेंटिव यानी प्लेंटिव को पता था कि ये रिस्क होगा, ये हार्म होगा, ये नुकसान होगा, बट स्टिल उसने ये कंसेंट दी कि ठीक है कि मुझे पता है नुकसान होगा बट मैं आपको कंसेंट दे रहा हूँ, आप ये चीज मेरे साथ करो. सो इन दिस केस ऑल्सो द पर्सन इज नॉट एबल नॉट लाइबल टू पे द डैमेजेस. एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी की वजह से नुकसान हो रहा है, यानी प्लेंटिव डिफेंडेंट दोनों में से किसी की गलती नहीं है बट थर्ड पार्टी की वजह से नुकसान हो रहा है तो भी नो वन इज लायबल टू पे द डैमेजेस. इनएविटेबल एक्सीडेंट, यानी अचानक कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, जैसे मैंने नेग्लिजेंस भी नहीं किया, मैंने प्रॉपर केयर करके काम किया बट स्टिल किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया तो भी नो वन इज लायबल टू पे द डैमेजेस. नेसेसिटी, ऐसी कोई जरूरत इमरजेंसी आ गई कि हमें वो एक्ट जो है वो भले ही अनलॉफुल हो, किसी के प्राइवेट राइट को इन्फ्रिंज कर रहा हो बट वो उस टाइम की, उस सिचुएशन की, उस सर्कमस्टेंस की डिमांड थी जिसकी वजह से मुझे वो काम करना पड़ा और दूसरे का प्राइवेट जो राइट है वो हार्म हो गया. इस केस में भी द पर्सन इज नॉट लायबल टू पे द डैमेजेस. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जो एक्ट है वो किसी दूसरे स्टैट्यूट में उसे वो एक्ट वो काम करने की अथॉरिटी मिली हुई है और उस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर वो पर्सन वो काम कर रहा है तो भी द पर्सन इज नॉट लायबल टू पे द डैमेजेस. एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एक और लायबिलिटी अराइज होती है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में जिसका नाम है एब्सोल्यूट लायबिलिटी. एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या कह रहा है दैट इफ अ पर्सन इज एंगेज्ड इन सम डेंजरस एक्टिविटी व्हिच इज द सोर्स ऑफ हिज कमर्शियल गेन देन ही ओन्स सम ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द सोसाइटी. हमने जो एक्सेप्शंस पढ़े हैं उन सबका बाप है ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी. एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई भी पर्सन किसी डेंजरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, यानी कोई ऐसा फॉर कमर्शियल गेन, यानी इसका कुछ बिजनेस कुछ काम ही ऐसा है जो डेंजरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और जिसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान हो सकता है, तो ये उस पर्सन की फुल ड्यूटी है कि वो प्रॉपर केयर करे कि उसके इस डेंजरस एक्टिविटीज की वजह से सोसाइटी में किसी भी तरह का नुकसान ना हो, ठीक है. उसके रीजनेबल केयर के बाद भी अगर सोसाइटी को नुकसान होता है फिर भी दैट पर्सन इज लायबल टू पे द डैमेजेस. This concept is absolute liability. ये सभी exceptions को हटाता है कि आपने ध्यान दिया, उसका consent था, ये वो कुछ नहीं. अगर आप commercial gain
करने के लिए, अपने प्रॉफिट की प्रॉफिट के लिए किसी डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और उसकी वजह से सोसाइटी में किसी को भी, ऐसा नहीं कि सोसाइटी में ज्यादा लोगों को, अगर किसी एक पर्सन को भी नुकसान हो रहा है तो यू आर लाइबल टू पे द डैमेजेस. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. He cannot take the exceptions of act of God or third party. इस केस में वो जो एक्सेप्शन हमने पढ़े इसमें से कोई भी एक्सेप्शन जो एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर वो डेंजरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और एक्ट ऑफ गॉड यानी फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, उसकी वजह से वो नो प्रॉक्सिमेट कॉज वो नहीं, यानी जो मेन कॉज है वो तो एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन आपका जो काम है वो तो डेंजरस एक्टिविटी है. जैसे सपोज कुछ केमिकल्स रखे हैं कहीं पे, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो वो केमिकल जो है वो बह के पानी में, नदी में चला गया और उस नदी का पानी पीने से बहुत से लोग मर गए. तो रीजन क्या था, मैंने तो केमिकल बहुत अच्छे से रखा था प्रॉपर जगह पे, बारिश की वजह से नुकसान हुआ ना. तो बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी थ्योरी के अंदर मैं लायबल होऊंगी, भले बारिश मेरी वजह से नहीं हुई, मैंने रीजनेबल केयर किया, एक्ट ऑफ गॉड था ये, बट स्टिल आई एम लायबल टू पे द डैमेजेस अंडर द लॉ ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया. Now, what are the principles? Liability taught me liability को claim करने के लिए बहुत सारे principles हैं. हम इन principles को discuss करेंगे with case laws. The first principle is damnum sine injuria. जब हमने ये पढ़ा था ना essentials की wrongful act होना चाहिए, legal damage होनी चाहिए. तो legal damage में दो type की चीज आती है. एक आता है damnum sine injuria और एक आता है injuria sine damnum. सबसे पहले समझते हैं damnum sine injuria को. It is a Latin legal maxim which basically means damage without injury. Damnum yani damage, sine matlab without, injuria means injury. So simple iska meaning ho gaya, damage without injury. Yani aapka legal damage to hua hai, aapka legal right to infringe hua hai, but iski wajah se aapko koi nuksan nahi hua. It means an actual loss which occurs without the infringement of any legal right. ठीक है, आपका लॉस हुआ है लेकिन आपका लीगल राइट जो है वो इंफ्रिंज नहीं हुआ है. दिस इज डैमनम साइन इंजुरिया. द इंपॉर्टेंट केस लॉज आर ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस. ये सब हमने बहुत पहले पढ़ रखा है. ये कंपटीशन वाला मैटर है. एक स्कूल के सामने दूसरा स्कूल खोल दिया गया, ठीक है, इसकी वजह से पहले वाले स्कूल का नुकसान हो गया क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे स्कूल में भी जाने लग गए. तो आपका लीगल राइट तो कोई डैमेज नहीं हुआ है ना, बट स्टिल यू आर सफरिंग लॉस इन योर बिजनेस. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डैमनम साइन इंजुरिया. इस केस में यू आर नॉट एबल टू गेट द डैमेजेस. आपका नुकसान तो हो रहा है, तो वैसे तो होता है कि जहां नुकसान होगा तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, बट यहाँ पे आपका लीगल राइट तो किसी टाइप का इंफ्रिंज ही नहीं हो रहा है. उस पर्सन ने अपने राइट का यूज किया है और आपके स्कूल के सामने स्कूल खोल दिया. सो इंजरी तो हुई है बट लीगल जो राइट है वो इंफ्रिंज नहीं हुआ. सो इस केस में डैमेजेस जो है वो पे नहीं करने होते हैं. इससे रिलेटेड सारे केस लॉज है. मोगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैग्रो गो एंड कंपनी, उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर. ये केस लॉज जो है वो मोस्टली ना मैथ्स कॉलम में आते हैं. तो टॉपिक से रिलेटेड जो भी केस लॉज है उन्हें प्रॉपर आप एक अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और उसको एक दो बार रीड आउट कर लेना, तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज विष्णु दत्ता शर्मा वर्सेज बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, चेसमोर वर्सेज रिचर्ड्स, मेयर एंड कंपनी ऑफ ब्रैडफोर्ड वर्सेज पिकल्स, जश भाई मोती भाई देसाई वर्सेस रोशन मिस्टर एंड अदर्स, रवि यशवंत भौर वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रायगढ़ एंड अदर्स, नॉर्दर्न प्लास्टिक लिमिटेड वर्सेस हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स एमएफजी कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स. सो दीज ऑल केसेस आर रिलेटेड टू डैमनम साइन इंजुरिया, दैट इज डैमेज विदाउट इंजुरी. नुकसान तो हुआ है, डैमेज तो हुआ है, बट विदाउट इंजरी यानी विदाउट हार्मिंग योर पर्सनल प्राइवेट राइट्स. नाउ इंजुरिया साइन डैमनम, ठीक उसका ऑपोजिट. इट इज अ लैटिन लीगल मैक्सिम व्हिच बेसिकली मींस इंजरी विदाउट डैमेज. इंजुरिया इंजरी, साइन विदाउट, डैमनम डैमेजेस. इंजरी विदाउट डैमेज यानी आपका
जो लीगल राइट है वो तो इन्फ्रिंज हुआ है लेकिन आपको किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ. इट रेफर्स टू द डैमेज सफर्ड बाय द प्लेंटिव ड्यू टू द वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स डन बाय द अदर. यानी प्लेंटिव को डैमेज तो हुआ है बट आपका डैमेज ड्यू टू द वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स डन बाय किसी दूसरे ने आपका लीगल राइट्स वायलेट किया है बट आपको जो किसी तरह का आपको स्पेशल डैमेज जो है वो सफर नहीं करना पड़ा. Even though there is no harm or loss or injury being suffered by the plaintiff, legal right violation के बाद भी किसी तरह का harm या loss ना हुआ हो, ये होता है injuria sine damnum. Coming to the case laws, Ashby versus White. ये Ashby versus White का जो case है, ये दो चीजों से relate करता है. सबसे पहले तो ये जो हमने पढ़ा injuria sine damnum और एक है यूबी जस्ट इबी रेमेडियम. यानी वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. यानी आपका राइट इंफ्रिंज हुआ है तो आपको रेमेडी मिलेगा भले ही उससे आपका नुकसान लॉस हुआ हो या ना हुआ हो. सो दिस इज यूबी जस्ट इबी रेमेडियम एचबी वर्सेस वाइट. इलेक्शन वाला मैटर था. इलेक्शन में वोट देने जा रहे थे बट उसे प्लेंटिव को रोक दिया गया. उसे वोट नहीं देने गया नहीं देने के लिए दिया गया बट वो जिसे वोट देता वो वैसे भी उसके वोट मिलने के बिना भी वो जीत गया. वो पार्टी जो है वो जीत गई. सो क्या हुआ लीगल राइट तो डैमेज हुआ. वोट देना तो उसका लीगल राइट था बट उसे वोट नहीं देने को मिला यानी उसका जो लीगल राइट था वो इन्फ्रिंज हो गया. बट उसे उसका नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि जिस पार्टी को वो जिताना चाहता था वो तो वैसे भी जीत गया. सो यहाँ लीगल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है बट नुकसान नहीं हो रहा है. सो दिस कंसेप्ट इज इंजुरिया साइन डैमनम एशबी वर्सेस वाइट. ये इलेक्शन वाला ही केस है. भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अशरफिलाल वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ आगरा. मार्जटी वर्सेस विलियम्स. स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल यूनियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट प्रिंसिपल है वाइकेरियस लाइबिलिटी. द पर्सन हु कॉजेस डैमेज मस्ट पे कंपेंसेशन. जिस पर्सन की वजह से डैमेज हो रहा है उसे कंपेंसेशन देना पड़ेगा. इन ऑर्डर फॉर वाइकेरियस लाइबिलिटी टू अराइज देयर शुड बी सम लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफेंडेंट एंड द थर्ड पार्टी. वाइकेरियस लाइबिलिटी बेसिकली थर्ड पार्टी को लाइबल बनाता है कंपेंसेशन देने के लिए. सो वाइकेरियस लाइबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए डिफेंडेंट और थर्ड पार्टी के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए. वन पार्टनर कैन बी लाइबल फॉर द डिफॉल्ट ऑफ अनदर. एक पार्टनरशिप कंपनी में जो पार्टनर्स हैं वो वाइकेरियसली लायबल होते हैं एक दूसरे के एक्ट के लिए. वाइकेरियस लायबिलिटी कैन आल्सो अराइज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज रिलेशनशिप. एक पर्सन अपने आपकी गाड़ी है आपके पास ड्राइवर है. ड्राइवर गाड़ी चला रहा है. आपने ड्राइवर को भेजा सब्जी लाने के लिए ठीक है. ड्राइवर गाड़ी चला के गया उसने रास्ते में किसी को ठोक दिया. Now, आप उसमें ड्राइवर की गलती थी पर्सन जो जिसे जिसका एक्सीडेंट हुआ जिसे चोट लगी ये दोनों पर्सन. आप उस चीज में कहीं से इन्वॉल्व ही नहीं हो. आप तो चुपचाप घर पे बैठे हो टीवी देख रहे हो आपकी कोई गलती नहीं है. बट स्टिल यू आर लाइबल टू पे डैमेजेस. यानी कि दो लोगों के अलावा थर्ड पार्टी इज लाइबल टू पे द डैमेज. ये थर्ड पार्टी वाला कंसेप्ट है ना यही होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी. आपका उस चीज से फिलहाल जब ये एक्ट हो रहा है एक्सीडेंट हो रहा है उस टाइम तो आपका आपको तो पता भी नहीं है बट स्टिल यू आर लाइबल टू पे डैमेजेस. ये थर्ड पार्टी वाला कंसेप्ट है कि दो पर्सन जो उस एक्ट में इन्वॉल्व है उसके अलावा जो तीसरा पर्सन है वो होगा कंपेंसेशन देने के लिए लाइबल. दिस कंसेप्ट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी. ये वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है वो दो पर्सन के रिलेशन पे डिपेंड करता है. यानी कि ड्राइवर और आपका तो रिलेशन है भले उस ड्राइवर का उसके साथ एक्सीडेंट जिसका हुआ उसके साथ ये रिलेशन था कि दोनों मिले एक दूसरे से आई कांटेक्ट हुआ दोनों मिले एक्सीडेंट हुआ दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं जान रहे हैं. बट जिसका एक्सीडेंट है वो तो आपको नहीं जान रहा बट ड्राइवर तो आपको जान रहा है. यानी जिसने एक्सीडेंट किया और आप इन दोनों में रिलेशन होना जरूरी है वाइकेरियसली लायबल होने के लिए. आप ड्राइवर को नहीं जानते ड्राइवर किसी और का है और वो किसी थर्ड पार्टी को बता देगा कि ये तो इसकी इसकी गाड़ी थी. तो ऐसे नहीं होता है कि किसी को भी हम वाइकेरियसली लायबल बना दें. वाइकेरियस लायबिलिटी के लिए दो लोगों के बीच में लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है. जैसे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई के सारे एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वाइकेरियसली लायबल होता है.
पार्टनर से दूसरे के काम के लिए वाइकेरियसली लायबल होते हैं, ठीक है। तो वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो लीगल रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर वाइकेरियस लायबिलिटी इज दैट ये जो एक्ट है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तभी वो पर्सन जो थर्ड पार्टी वो वाइकेरियसली लायबल होगा, ठीक है। यानी कि वो जो ड्राइवर है उसका वर्किंग आवर्स होता है आपके पास 10 से 5 बजे तक, ठीक है। अगर उसने जो एक्सीडेंट किया है वो 10 से 5 के बीच में यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया है तभी आप लायबल हो। काम से छुट्टी होने के बाद वो अगर कोई भी क्राइम करता है तो उसके लिए यू आर नॉट लायबल, ठीक है। तो वैकेरियस लायबिलिटी के लिए ये कोर्स जो टाइम जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये भी बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग ओके द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन टू मैक्सिम्स अगर कोई पर्सन अपना काम किसी और के थ्रू करा रहा है इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वो काम वो पर्सन खुद ही कर रहा है। जैसे आपने अपना काम किसी एजेंट के थ्रू अगर करवा रहे हो आप तो ऐसा माना जाएगा कि वो एक्ट आप ही कर रहे हो, यानी कि दोनों की लायबिलिटी आपकी और आपके एजेंट की लायबिलिटी जो है वो सेम होती है। Qui facit per alium facit per se। Okay. Now the second maxim is respondent superior. It means that the superior should be held responsible for the acts done by his subordinate. यानी जो भी superior है, जो master है, वो अपने जो subordinate है, अपने servants है, उसके सारे acts के लिए respondent responsible होता है। So respondent superior, जो superior है, वो responsible होता है। तो ये जो वाइकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट है ये इन दो मैक्सिम्स पर डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टू द केस लॉज, हम्बर स्टोन वर्सेस नॉर्दर्न टिम्बर मिल्स, सेल्सबरी वर्सेस वुडलैंड, मार्केट इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड वर्सेस मिनिस्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी, द मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बैंक वर्सेस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ग्रिगोरी वर्सेस पाइपर, पुष्पा भाई पुरुषोत्तम वर्सेस रंजीत गिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी, बेली वर्सेस मैनचेस्टर S&L रेलवे, अनीता भंडारी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एल लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, पीटरसन वर्सेस रॉयल ओक होटल लिमिटेड, volenti non fit injuria. Tort law mein this is also one of the principle that sometimes it may so happen that a person may suffer damages when he consents to some acts. Humne padha hai defense mein jab wo consent de raha hai to aisa ho sakta hai ki jis person ko damage hone wala hai wo us act ke liye apna consent de, wo agree hai us act ke liye aur uske baad injury ho rahi hai तो भी वो पर्सन जो है वो डैमेज क्लेम नहीं कर सकता है। तो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इट रिक्वायर्स अ फ्रीली एंटर्ड वॉलंटरी अग्रीमेंट, यानी ये एक्ट के लिए एक अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्रीली एंटर्ड एंड वॉलंटरी, यानी अपनी मर्जी से कंसेंट से, ये नहीं कि कोर्शन और फोर्स के अंडर या अंड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर वो किसी अग्रीमेंट में एंटर कर रहा है। फ्रीली एंटर्ड अग्रीमेंट होना चाहिए इन फुल नॉलेज ऑफ द सर्कमस्टेंस, उसे अपने सारे रिस्क उस एक्ट में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो सारे रिस्क की फुल नॉलेज होनी चाहिए, टू अब्सॉर्ब द डिफेंडेंट ऑफ ऑल लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस। उसे अपने एक्ट के सर्कमस्टेंसेस के सारे नॉलेज होने चाहिए और उसके बाद अगर वो फ्रीली विदाउट अंडर एनी प्रेशर उस वॉलंटरी अग्रीमेंट में एंटर कर रहा है तो फिर डिफेंडेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है कंपेंसेशन देने की। दिस कंसेप्ट इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। केस लॉस, मॉरिस वर्सेस मुरे, डैन वर्सेस हैमिल्टन, पद्मावती वर्सेस दुग्गानिका, समीरा कोहली वर्सेस प्रभा मनचंदा, पिट्स वर्सेस हंट, ब्लेक वर्सेस गैलोवे, कॉन्डन वर्सेस पासी, रीव्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ मेट्रोपोलिस,
वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन दिस वीडियो, सो डोंट गेट बोर्ड. नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. इफ अ बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटीज हार्म समबडी, इट शुड कंपेंसेट हिम. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन किसी कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से किसी और को नुकसान हो सकता है, देन ही इज लायबल टू पे कंपेंसेशन. दिस लायबिलिटी विल अराइज इवन इफ इट टुक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द डैमेज. हमने पढ़ा है पीछे भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एमसी मेहता वाले केस में, है ना, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ गिविंग प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, अगर वो प्रॉपर केयर अटेंशन सारे प्रिकॉशंस ले रहा है उसके बाद भी अगर किसी को नुकसान होता है फिर भी वो लायबल है, उसकी गलती नहीं है, तो भी ही इज लायबल टू पे कंपेंसेशन. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. रिलायंस वर्सेस फ्लेचर. एब्सोल्यूट लायबिलिटी. इफ द लॉ इम्पोजेस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑन अ पर्सन, इट ऑल्सो अलाउज हिम टू टेक सर्टेन डिफेंसेस. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में वो जो डिफेंस हमने पढ़ा है, एक्सेप्शंस और डिफेंस हमने पढ़ा है ना, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में वो डिफेंस अवेलेबल है, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं है. अ डिफेंडेंट मे से दैट द डैमेज ऑकर्ड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज बियॉन्ड हिज कंट्रोल. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में वो ये डिफेंस ले सकता है कि किसी एक्ट ऑफ गॉड या किसी और एक्सेप्शंस जो हमने पढ़े थे उसके अंडर वो एक्ट हुआ है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में उसे कंपेंसेशन देने से छूट मिल सकती है. In absolute liability, however, he cannot take any defense whatsoever and has to pay compensation in all cases. Absolute liability में अगर वो इस टाइप की किसी dangerous commercial activities में involved है और उसके acts की वजह से society को नुकसान हो रहा है, तो वो कोई भी defense उसके पास available नहीं है and he is liable to pay compensation in all cases. Coming to the case laws. भोपाल गैस डिजास्टर केस 1984, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चरणलाल शाहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. केस लॉज ये याद रखना है. और इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था एक लास्ट कुछ किसी ईयर में, ये क्वेश्चन आया था कि ये जो रूल है एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला, ये कौन कौन से केस में अभी तक यूज हुआ है. तो दीज आर द फोर केसेस. पैसे तो ये ओपन हुआ था भोपाल गैस डिजास्टर केस में, बट ये जो चारों केस लॉज है इनको याद रखना है. इन फोर केस लॉज में द कोर्ट हैज अप्लाइड द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी. नाउ हमने सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, अब मैच द कॉलम. इससे आप बताओ कि ये जो प्रिंसिपल है ये कौन से लायबिलिटी, कौन से टर्म से रिलेट करता है. A third party can be liable to pay damages. Third party जो है वो damages pay करने के लिए liable होता है. ये कौन सा theory ये कहता है? Absolute liability, injuria sine damnum, volenti non fit injuria, vicarious liability या फिर damnum sine injuria. वैसे ये सारा है, इसका answer अपने जो comment box में comment करो. Okay? Defense to the doctrine of absolute liability. जो भी डिफेंस था, अब हम सिर्फ केस लॉज, इंपॉर्टेंट केस लॉज, सब टॉपिक वाइज जो केस लॉज है ना उन्हें एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्योंकि टॉर्ट में जो केस लॉज होते हैं वो सब टॉपिक से भी आते हैं और वो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं. तो कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स योर माइंड और सब टॉपिक वाइज केस को एक बार रीड आउट कर लेना है. ठीक है. डैमेज कॉज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड. लैंड के नेचुरल यूज के अंडर ही डैमेज हो रहा है तो भी वो पर्सन लायबल नहीं है. This statement is related to the case of Gills versus Walker. ठीक है, natural use of land, Gills versus Walker. Consent of plaintiff. हमने पढ़ा है plaintiff का consent होता है किसमें? Voluntary non-fit injuria में. वो देख लो, आप ऐसे समझ लो जैसे boxing वाला जो game होता है. इसमें क्या, मुझे पता है कि मैं boxing करूंगी तो मुझे चोट लगेगी, मुझे damage होगा, मुझे hurt होगा, मुझे injury होगी. But still I am entering into an agreement कि मैं boxing करूंगी. ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ और फिर मुझे चोट लगती है तो मैं उस पर्सन पे क्लेम नहीं कर सकती कि मुझे चोट लगी तो मुझे कंपेंसेशन दो. ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ वॉलेंटी नॉन फिट इंजरी. यानी प्लेंटिव जो है वो अपने हार्म के लिए खुद से कंसेंट दे रहा है. ठीक है, तो द केस लॉज इज पीटर्स वर्सेस प्रिंस ऑफ वेल्स थिएटर लिमिटेड, बिर्मिंघम.
And one more important case law for the consent of plaintiff is Hall versus Brookland and Auto Racing Club. Next is plaintiff's own fault. Plaintiff ke khud ki galti ki wajah se usse nuksan ho gaya. Ponting versus Noakes. Suppose किसी ने अपने घर के गार्डन में एक ऐसा पेड़ लगाया हुआ है जिसके लीव्स जो हैं वो जहरीले हैं, तो एक पर्सन था वो रोड से जा रहा था विद अ हॉर्स और उस हॉर्स ने उसकी उस जो पेड़ की पत्तियां जो बाहर लटकी हुई थी उसे खा लिया, ठीक है, और खाने की वजह से वो पॉइजनस था और वो घोड़ा जो है वो मर गया। अब इसमें गलती किसकी है? किसी की नहीं है, प्लेंटिव की खुद की गलती है कि वो बिना पूछे बिना जाने दूसरे का पेड़ की पत्तियां अपने घोड़े को क्यों खिला रहा था। तो प्लेंटिव की खुद की गलती की वजह से उससे नुकसान हुआ है, तो जिसका घर है वो उसे कंपेंसेशन तो क्लेम नहीं कर सक रहा है ना। सो दिस इज द डिफेंस ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, दिस वाज डन इन द केस ऑफ पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स। जब प्लेंटिव की खुद की गलती होती है तो पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स। एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, किसी स्ट्रेंजर थर्ड पार्टी किसी और की वजह से ही नुकसान हो रहा है, तो उसमें भी प्लेंटिव डिफेंडेंट दोनों में से कोई लायबल नहीं होगा। रिकार्ड्स वर्सेस लोथियंस। एक्ट ऑफ गॉड, किसी नेचुरल डिजास्टर के अंडर नुकसान हो रहा है, निकोलस वर्सेस मार्सलैंड। कॉमन बेनिफिट ऑफ प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट, जो एक्ट है उस एक्ट से दोनों अग्री करते हैं क्योंकि ये दोनों के बेनिफिट के लिए हुआ था, बाद में उससे नुकसान हो गया। तो अगर आपने पहले तो वो अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लिया फिर बाद में नुकसान हो गया, तो आप सेकेंड पार्टी पे क्लेम उससे नहीं कर सकते हो डैमेजेस, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट वाज प्रूव इन द केस ऑफ बॉक्स वर्सेस जब। जब दोनों के कॉमन बेनिफिट के लिए कोई एक्ट किया गया हो तब भी नो वन इज लायबल टू पे द डैमेजेस, बॉक्स वर्सेस जब। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, डिमेंस में हमने एक्सेप्शंस में पढ़ा है कि किसी दूसरे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, दूसरे स्टैट्यूट के प्रोविजंस के अंडर हम वो काम करें, यानी अनलॉफुल या फिर कोई इलीगल एक्ट नहीं हो रही है, किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर हम वो एक्ट कर रहे हैं तो भी हम कंपेंसेशन पे करने के लिए लायबल नहीं होते हैं। ग्रीन वर्सेस चेल्सिया वाटर वर्क्स कंपनी। वन मोर केस लॉ इज देयर, मेट्रोपॉलिटन असाइलम बोर्ड वर्सेस हिल्स। मेट्रोपॉलिटन केस, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। So, this case is related to statutory authority under the law of tort. Act of state, yani state government. ठीक है, act of state का मतलब हो गया यहाँ पे government. तो government का कोई act है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो उसमें भी no one is liable to pay the damages. विनोद कुमार शांतिलाल गोसालिया versus गंगाधर नरसिंह दास अग्रवाल. One important case law for act of state is Buron versus Denman. जुडिशियल एक्ट, जुडिशियल यानी जुडिशियरी के किसी एक्ट के अंदर आपको नुकसान हो रहा है, आपका कोई किसी टाइप का प्राइवेट राइट हार्म हो रहा है, देन ऑल्सो यू आर नॉट लाइबल टू गेट द डैमेजेस। अनवर हुसैन वर्सेस अजय कुमार। नेसेसिटी, उस डिफेंस में हमने पढ़ा ना नेसेसिटी, कि सिचुएशन ही ऐसी अराइज हो गई, ऐसी जरूरत हो गई, सर्कमस्टांसिस की ये डिमांड थी कि वो एक्ट करना पड़ा, तो भी द पर्सन इज नॉट लायबल टू पे द डैमेजेस। ओल्गा चैलिस वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे। एब्सोल्यूट लायबिलिटी कैन ऑल्सो बी अपहेल्ड बाय द कोर्ट्स इन केस ऑफ अ सिंगल डेथ विदाउट एनी मास डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और पोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट। बेसिकली एब्सोल्यूट लायबिलिटी ये कहता है कि आपके एक्ट के वजह से अगर कोई सिंगल डेथ, किसी एक पर्सन को भी नुकसान हो रहा है, तो भी यू आर लायबल टू पे डैमेजेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई मास डिस्ट्रक्शन या फिर पोल्यूशन की वजह से सोसाइटी एज अ ज्यादा लोगों को ही नुकसान हो, जैसे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि 10 लोगों को नुकसान होगा तो ही यू आर एब्सोल्युटली लायबल। एब्सोल्युट लायबिलिटी ये कह रहा है कि आप तो ऐसे भी डेंजरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो आपके काम की वजह से अगर एक पर्सन को भी नुकसान होता है ना, कोई एक पर्सन भी डेथ उसकी हो जा रही है, तो भी यू आर लायबल टू पे द डैमेजेस अंडर द लॉ ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सो दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन इन द केस ऑफ क्लियोस माइटल बैचर्ट वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड। दिस केस लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट केस लॉज थे, आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल दोज केस लॉज, क्योंकि इसमें कंसेप्ट तो छोटा छोटा, इसमें ज्यादा कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं,
केस लॉ से ज्यादा करके पूछा जाता है. सो केस लॉ जितना था बेसिक और इम्पोर्टेंट केस लॉ, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं. आई होप दैट दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन. एग्जाम में ज्यादा टाइम रह नहीं गया है, सो प्लीज प्रिपेयर आप अच्छे से करो. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. सी यू सून विद अ न्यू वीडियो. थैंक यू.